आज एम्स की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें जो रिपोर्ट में ऐसा है कि उसमें कोई भी प्रकार का पॉइजन उसमें सुशांत सिंह के जो विषय था उसमें नहीं था, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन एकाएक केंद्र शासन ने पूरी जांच पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया, उनका अधिकार है। फिर भी जब जांच सीबीआई को दिया उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था उसमें लिखा था कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह केस का बड़े बहुत ही अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस प्रकार का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी था। उसके बावजूद सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, गए डेढ़ महीने से सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इसमें खास करके आपको पता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की राजनीति यहां पर खेली गई, इसमें महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया, इसमें मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम कुछ राजकीय लोगों ने किया, कुछ राजकीय पक्ष ने किया। ऐसा है कि सुशांत सिंह केस का फायदा आगे आने वाले बिहार चुनाव में होना चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार का राजकारण किया, उसमें महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का काम, महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम, एक जो जांच जो चल रही थी वो किसी व्यक्ति को उसको बचाने के लिए चल रही थी, इस प्रकार का भी आरोप किए गए। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके की राजनीति एक नेशनल पार्टी ने यहां पर की, जिसकी सबको मालूम है, लेकिन आज सब बातें सामने आई है। और इसमें खास करके बिहार का चुनाव जो होने वाला है, बिहार के चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की राजनीति की गई, ये बड़ी दुखी बात है। बिहार पुलिस के जो प्रमुख थे, बिहार पुलिस के प्रमुख मिस्टर गुप्तेश्वर जी पांडे जो डीजीपी थे, वरिष्ठ पुलिस के बिहार के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको भी इनका भी इस्तेमाल करके राजनीति की गई और महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया। अभी सभी बातें सामने आई है। आपको तो ये भी पता है कि जो गुप्तेश्वर जी पांडे थे जो अभी जेडीयू में चली गए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि कोई भी पार्टी ने अपने राजकीय फायदे के लिए इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए, ये मुझे यहां पर बताता।